डॉक्टर लक्ष्मी, हम जब ममता से बात कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो बहुत स्ट्रेस्ड रही, लेकिन उस स्ट्रेस का उन्होंने कोई वेंट नहीं दिया, ना वो रोई ना वो रुकी, वो लगातार चलती गई, ज़िंदगी को आगे बढ़ाती गई। डॉक्टर्स ने जब इनके अनुभव के बारे में, नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना, तो उनका ये कहना था कि वो जो 40 दिन का एक इमोशनल स्ट्रेस था, उसकी वजह से उनकी इमेजिनेशन चली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस एक इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो? मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। जब भी हम एक इंटेंस फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल समटाइम्स फिजिकल इलनेस, और समटाइम्स इट कैन बी जस्ट आवर इमोशनल लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ यू नो स्ट्रेस वी आर गोइंग थ्रू, तो तब हमारा ब्रेन जो है इट रिलीजेस सम मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड एंडोर्फिन्स, एंड दीज एंडोर्फिन्स दे क्रिएट अ सेंस ऑफ वेलबींग, हैप्पीनेस, ए पीसफुल स्टेट इन जनरल। बट लेकिन साइंटिस्ट का मानना ये है कि वन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वो ऐसे फील करते हैं, ये जो कुछ भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का अनुभव है, इस अनुभव में जो भी लोग फील कर रहे हैं, दैट सेंस ऑफ वेल बीइंग, दैट पीसफुल स्टेट, दैट हैप्पीनेस, ये वो लोग ये फील करते हैं, ये जो कुछ भी ये अच्छे फीलिंग्स है, इस एंडोर्फिन्स की वजह से हो रहा है। डॉक्टर न्यूटन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक्टिव इमेजिनेशन और नॉन फिजिकल रियलिटी में क्या फर्क है? एक्चुअली द नॉन फिजिकल रियलिटी, दैट व्हाट वी कॉल नॉन फिजिकल, इज ऑल्सो रियलिटी। इट इज ऑल्सो वेरी रियल, लाइक व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल रियलिटी। सो वी हैव दीज टू थिंग्स, फिजिकल रियलिटी एंड नॉन फिजिकल रियलिटी। व्हाट इज नॉट परसीव्ड बाय फाइव फिजिकल सेंसेस, वी put into this category of non-physical reality. So with this logical thinking mind, the rational mind, what we generally perceive is only this above, we can think about only this world. So what we call active imagination is not really imagination, it is perceptions that we perceive beyond this physical realm, beyond this physical world. It is not assumptions, because enough of the data and information was gathered by scientists who are open-minded to spirituality. They research whether this is true, whether this person is accessing the information, whether this is true or not. So they found it's matching. There are enough of evidences that the असली सच्चाई है वो और भी बड़ी सच्चाई है। आज ममता guided meditation यानी मार्गदर्शित ध्यान के रास्ते दोबारा जाएंगी मौत और जिंदगी के बीच, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वो अपने साथ लाएंगी हर सवाल का जवाब। ममता, क्या आप तैयार हैं? वक्त फिर साक्षी बनेगा, जब गुजरे हुए पलों में कहीं मिलेगी दोबारा जिंदगी। डॉक्टर न्यूटन, आज ममता गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनकहे एहसासों को दोबारा जिएंगी। इस अनोखी यात्रा में उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन, जो ममता को एक मौका देंगे उन अनकहे अनसुलझे जज्बातों को समझने का और अपने अंदर दबे जिंदगी के उस दर्द को मिटाने का जिससे वो आज तक उबर नहीं पाई हैं, और उनके इस सफर के गवाह बनेंगे हम सब। क्या आप तैयार हैं? के आंख बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। इनहेल ऑल द फ्रेश एनर्जीज इनटू योर बॉडी एंड एक्सहेल ऑल द वरीज एंड टेंशन्स एंड स्ट्रेसेस।
each cycle of breathing, allow yourself to totally relax from top of your head all the way down to the bottom of your feet. Let each and every part of your body completely relax. Totally relax. जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए. समुद्र के किनारे पानी की लहर, इट्स ब्यूटीफुल. कंप्लीटली अब्सॉर्ब दिस वंडरफुल रिलैक्सेशन, ऑल दैट ब्यूटीफुल feelings, happiness, joy. In this deep trance kind of state, you can give yourself the permission to go back in time to that significant memory, the near-death experience memory. Allow yourself journey backwards, remembering, recalling all the details, this memory now. Images, pictures, impressions, feelings, sensations becoming very vivid and clear. Completely connecting to that. At this point of time, you can start describing me about what you are feeling, experiencing. बच्ची सो गई है पास में. I'm floating. Utrio. So nice. How about you, Audrey? How about me? What you are seeing as you look down at your baby. She's too young. She wants, I think she needs me more than me being here. No, I want to go back.
see my own body beside my child. Completely feel what you're feeling. हवा है वो जो मैं हवा में is all alone. She needs me. Koi hai yahan pe. Touching my hair on my head. This time, I'd like you to feel, communicate this being. बहुत प्यार से पकड़े हैं। पहचान तो नहीं लग रहा है पर बहुत प्लेजेंट दिख रहा है। Stay there with this being, this person. A moment, start communing very deeply. वो भी फ्लोट कर रहा है। अपने अंतर्मन से अपने उनको पहचान सकते हैं। Oh, it's him. How are you feeling when you're seeing him? Be there, communicate with him, Father. Why did you go? He says he's there with us. What is he saying? Listen to him through your heart, through your soul. वो कभी छोड़ के नहीं गए। वो बोल रहे मेरे पास ही है। He says not to fear. He's always there. Go on describing whatever. Communication that's happening. Even though he cannot be physically present, he's going to be there with me always when I'm in trouble. Oh, he's asking me to go back. He needs to leave.
which was first holding me. Completely letting go of all that deeply buried emotions with this realization that he's there with you. Describe further, but whatever that you're feeling towards your baby, I'll make her so strong, never stop her. Whatever she wants to do. You want to make her very independent. I know she's going to be very happy. Yes. That's why maybe I was sent back to be with her. Like dark clouds in the sky dissolving. Let this dark cloud stress is buried inside you dissolve completely, completely. Choose to let go now. Dheere dheere vapas vartman mein laut aaiye. With all this wonderful insights, relaxation, positivity, and slowly come back to this present moment. Alert, awake, conscious. Take your time to slowly open your eyes. Feeling so wonderful. कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा. I know I can't explain. It's wonderful. But I think I slept off. आपको लगता है कि आप सो गई थी? मेरे को लगता है. समुंदर तक क्या जाए उसके बाद तो मेरे को लगता है. उसके बाद याद नहीं. मेरे को लगता है सो गई थी. एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव कहेंगे हम इसे. Deep trance. Where there is no awareness about the time or space, where she is, what time has elapsed, there is no awareness at all. यहाँ पे तो इतना ठंड लग रहा है, मतलब that space was really, that actually shows, I think I was not here. आपको मैं थोड़ी देर और दूंगा. आप sink in कीजिए. आप जहाँ से आई हैं, उस पूरे अनुभव को sink in कीजिए. जब तक आप सिंक इन करती है मैं डॉक्टर लक्ष्मी के पास जाऊंगा. डॉक्टर लक्ष्मी डीकोड कीजिए आज के ममता के इस अनुभव को. ममता जब अपने शरीर से ममता को ये एहसास हुआ कि दो द हस्बैंड इज नो मोर, वो तो शरीर में नहीं है लेकिन उनके पास ही है. सपोर्ट उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था. Yes. सपोर्टिंग yes. उन्होंने yes. एंड ही टोल्ड हर वेरी क्लियरली दैट आई एम विथ यू ऑलवेज. So please, you know, go ahead in life and take care of the daughter. So this was so amazing. वो यकीन नहीं मान रही हैं. सुदेश आप यहाँ पर बैठे थे, इन्होंने किया ये सब बातें कही थी. बताइए सुदेश. मैंने ये सब बोला था. हाँ. आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? कितनी गहराई से ममता जुड़ी अपने अतीत से वो हम सबके सामने की बात है. पर उस अवस्था में जो मंजर ममता ने देखा उसे वो होश में आने के बाद याद नहीं रख पाई. अतीत की यात्रा अपने आप में एक नायाब एहसास होती है जो मानवीय मस्तिष्क की कई परतों को खोलती है. इसका एहसास आज ममता को दोबारा हुआ तो सही, पर फिर भी ममता अपनी इस स्थिति पर विश्वास नहीं कर पा रही है. ममता, ये जो देखा वो आप ही थी? कुछ याद आ रहा है आपको?
याद तो अभी भी नहीं आ रहा है। उन्होंने जो बातें कही थी वो ये कहा था कि वो हमेशा आपके साथ हैं। ये बात तो मैं 100% मानूंगी। जब भी मैं किसी ऐसे मुसीबत में फंसी होती हूँ बस बैठ के बोलने की ज़रूरत होता है और उसका आंसर इमीडिएटली उनकी फिजिकल सेंसेस बट थ्रू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वी कैन फील देम वी कैन यू नो रिसीव मैसेजेस फ्रॉम देम थ्रू इंट्यूशन। सो जो कुछ भी यहाँ हमने देखा ममता हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट इन हर डे टू डे लाइफ सो व्हाट एल्स वी वांट इट इज सो ट्रू। विश्वास करें या ना करें सबके लिए क्या संदेश है आपके पास? This deep connection, the soul connection. Our soul always binds life after death. So that really makes us feel, you know, completely let go of our grief or sadness because there is no death. Thank you so much, Dr. Nitin. Thank you so much. ममता ने एक दिन अपने पति को खोया पर सवाल यह है क्या वाकई ममता अपने पति से अलग हैं? जवाब है नहीं। ममता के पति हर पल हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। आज आपने अपने सवालों के जवाब पाए हैं। अब आप हमारे पूरे परिवार की ओर से कुछ और पाएंगी। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर न्यूटन को हमारे गेस्ट को एक भेंट दे। That's for you, Suresh. Yeah, thank you. What does it mean to you? आपके लिए क्या मायने रखता है? Crystal Lotus. Purity. प्योरिटी अच्छा शुद्धता सो मच। हमारी जिंदगी में हमारे रिश्ते ही हमें इतनी ताकत देते हैं कि हम पंख फैला कर उड़ सकें। हमारी भी यही कोशिश है कि जिंदगी का हर रिश्ता हमें एक लहराती रंग बिरंगी पतंग की तरह आसमान में उड़ने में मदद करे। ऐसी ही एक उड़ान एक बार फिर भरने आएंगे हम डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के साथ। एक बार फिर मिलेगी दोबारा जिंदगी।